उन दोनों की रक्षा करना। माँ, दादाजी, अनन्या दीदी, आप सब लोग बिल्कुल मत घबराइए, हम आप सबको जरूर बचा लेंगे। इस हेलीकॉप्टर के नीचे ये जो मिलिट्री नेट जुड़ा हुआ है, आप सब उसे टाइटली पकड़ लीजिएगा। ओके? हाँ। और याद रखिएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड का ही टाइम होगा, सो आप सब प्लीज अपनी अपनी जगह पर ही खड़े रहिएगा और एक साथ में इस नेट को टाइटली पकड़ लीजिएगा और फिर हम आप सबको एक साथ एयरलिफ्ट करेंगे। ओके? ठीक है। हाँ। हम आपको पकड़ लेंगे और भरोसा रखिए, आपके बेटे आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ, तुम दोनों पे मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। माँ, आप ठीक हो ना? शौरी, परी तारा का रंग पीला क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रक्रिया कब तक खत्म होगी? अगर दोनों बालवीर को धरती पर कोई मुसीबत आए तो हम उनकी मदद कैसे करेंगे? समय लग रहा है, पर आप तब से अपना ध्यान मत हटाइए। तब सफल हुआ तो परी तारा और दोनों बालवीरों की शक्तियाँ अवश्य लौटेंगी। ठीक है शौर्य।
रही है। ये क्या मिस्टर भी, ये बालवीर की पावर टाइम से पहले कैसे वापस आ गई? और अगर इनकी पावर्स आ गई है तो मेरी पावर्स अब तक क्यों नहीं आई? शाबाश परियों, जिस निष्ठा से आपने वीर तप किया है उसके कारण समय से पहले ही परितारा संपूर्ण ऊर्जावान हो गया और दोनों बालवीरों को अपनी शक्तियां भी समय से पहले वापस मिल गईं। बचा लिया, लेकिन अब अपनी मां को कैसे बचाओगे बालवीर? विवान, देबू कहां गए ये दोनों? सबको पता चल गया है कि हम दोनों बालवीर हैं। फिकर नॉट विवान, एक काम करते हैं, सबकी मेमोरी इरेज कर दो, क्योंकि इनकी याद से याद मिटना ही हमारे लिए बेहतर है। वाह! We'll be right back.
विवान, तुम माँ को लेकर भारत नगर जाओ और उनकी आदर्श बढ़ा देना। तब तक मैं देखता हूँ कि आखिर हम पर हमला किसने किया था। ठीक है भैया। हम पर यहीं से बिजली तरंगों से वार किया गया था। अभी भी वो तरंगें मुझे महसूस हो रही। इसका मतलब हम पर वार करने वाला यही कहीं आसपास है। मुझे अपनी तीव्र गति से उसे ढूंढना होगा। बालवीर की शक्तियां वापस आ गई, इसलिए हमारे पास यहाँ से भाग के शिंकाई जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। I hate running like this, Mr. B. हाँ, स्पीड देखकर भागना पड़ा, but I promise, मेरा अगला वार बालवीर के सीने पर होगा, सीने पर। यहाँ पर तो दो रास्ते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मुझे 1 किलोमीटर के एरिया में दोनों रास्तों पर देखना होगा। बालवीर बहुत तेज गति से भाग रहा है और अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो बहुत देर तक उसकी नजरों से बच नहीं सकते। आज हमारा पकड़े जाना तय है। नो मिस्टर बी, नो। अरे केंटा है, लेकिन वो अपने एनिमीज के सामने सरेंडर नहीं करेगा। बालवीर, कहां ढूंढ रहे हो मुझे? मैं यहां हूं। We are good people. और अच्छे कामों के लिए हम अपने हाथ हमेशा खुले रखते हैं। Hello, Principal sir. Hello. Principal अघाड़ी, आप हैं शिकाय के दुश्मन? हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारा वो दुश्मन जो तुम्हारी आंखों के सामने था, लेकिन तुम कभी उसे पहचान नहीं पाए। मैं ही हूँ जिसने बिरबा को तुम पर नजर रखने के लिए भेजा था। मैं ही हूँ जिसने भारत नगर पर लैंडमाइंस बिछाए। मैं ही हूँ जो तुम सबको उस हेलीकॉप्टर में मारना चाहता था। और मैं ही हूँ तुम्हारा खून लेकर बना तस्सर वाला रावण। मैं ही हूँ दुनिया का सबसे महाशक्तिशाली बम्बा। सब्र सब्र, ये वक्त लड़ने का नहीं है, बचने का है। और ये मत भूलो, अभी भी तुम्हारी शक्तियां वापस आ रही हैं, पूरी तरह से वापस आई नहीं है। और अगर तुम ऐसे बालवीर से लड़ने जाओगे तो उसका सामना नहीं कर पाओगे। तो आप क्या चाहते हैं मिस्टर? हार मान लूं मैं? मैं चाहता हूं कि हम इस हार को भी जीत में बदल दें। और उसके लिए मुझे बालवीर के सामने अपने आप को बेनकाब करना ही पड़ेगा, ताकि तुम यहां से बच के शिंकाई वापस जा सको। इतना छोटा वार? अरे अपने लिए नहीं, पर मेरी इज्जत रखने के लिए थोड़ा जोर से वार कर लो। मजा नहीं आया। अरे ये वार देखकर तो मुझे हंसी आ रही। चलो एक और बार कोशिश कर लो। ये हुई ना बात। अब मेरी बारी।
चलो दिखाता हूं तुम्हें वीरलोक की मेहमान नवाजी। तुम्हें क्या लगा मैं एक छोटी सी चींटी हूं? लेकिन जब एक चींटी हाथी की सूंड में घुस जाती है तो उसे धराशायी होने पे मजबूर कर देती है। देबू तुम बालवीर हो? ठीक है, सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। कॉलेज रिसर्च के नाम पे ना जाने कितने बुरे बुरे काम करवाए होंगे इसने मुझसे, जाने अनजाने में ही सही। इसके सारे बुरे कामों में इसका साथी तो था मैं, आज तो मैं। चलो माँ की मेमोरी भी क्लीन करते, अब देखता हूँ कि देवू भैया के साल में उन्हें वो दुश्मन मिले या नहीं। देवू बालवीर है? दीदी आप मुझे पूछ रही हैं या मुझे बता रही हैं? एक्सक्यूज मी, मुझे ना सब पता चल गया। सबकी मेमोरी क्लीन की थी मैंने, फिर अनन्या दीदी की मेमोरी क्यों क्लीन नहीं हुई? I'm very smart. मुझे पता था कि तुम क्या करने वाले हो, इसीलिए मैं छुप गई थी। क्या दीदी आप भी, आप क्या मेरा माइंड रीड कर सकती हो? काश कर सकती पर नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए अब मुझे सच सच बताओ कि क्या चल रहा है। दीदी अभी तक तो मेरा मुंह चल रहा था लेकिन आपकी बातें सुन के बंद हो गया है। क्या अनन्या दीदी की मेमोरी फिर से क्लीन करनी पड़ेगी? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आई, मैंने बोला था ना कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, इसीलिए मेरी मेमोरी क्लीन करने का तुम ट्राई भी मत करना, वरना तुम्हें मेरी कसम। अरे दीदी आप आज ये इमोशन में एक्शन कहाँ से लेकर आ गए? अब इमोशनल हो ही गए हो तो मेरे पास ये जो ए टू जेड क्वेश्चंस है ना उनके आंसर भी दे दो। देबू कहाँ है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ रोकने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेलीकॉप्टर पर अटैक करने की? तुम्हें पता नहीं था उसमें बच्चे भी हैं? मिस्टर बी ये तो बहुत ही रॉन्ग ट्रिक है। अगर आपने खुद को बालवीर के सामने एक्सपोज कर दिया तो उसे मुझ पर भी डाउट हो जाएगा क्योंकि उसने हमेशा मुझे आपके साथ देखा है। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। No, Mr. B. I cannot lose you. नहीं खोगे अगर तुम मेरी बात मानोगे, क्योंकि मेरे पास एक तरकीब है जिससे बालवीर को यह यकीन हो जाएगा कि तुम मेरे साथी नहीं हो। कैसी तरकीब? तूने मुझ पे वार किया, तुझे अनाथ समझकर जमीन से उठाया मैंने और आज इसी जमीन में गाड़ दूंगा। हाँ हूं मैं अनाथ, हूं मैं अनाथ। मैंने तुम्हें अपना गुरु समझा लेकिन तुम तो राक्षस निकले राक्षस। क्यों क्या तुमने ऐसा? Why? ताकि लोगों को यह लगे कि मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं। तुझे क्या लगता है मैं कोई साधारण सा प्राणी हूं? मैं शिंकाई की जादुई शक्तियों का मालिक हूं। शिंकाई? ये क्या है? शिंकाई को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम बस इस बात की फिक्र करो कि आज तुम मेरे हाथ मरने वाले हो।
वो मेरा शिकार है। कहाँ गायब कर दिया तुमने उसे? उसकी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो कि मैं तुम्हें कहाँ ले जाने वाला हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.